दौरान कोर्ट में आप थे? जी हाँ मैं था। आप थे, आपके सामने गुफ्तगू हुई? आप कोर्ट में थे उस दौरान? जी हाँ। मैंने, आप आई विटनेस हैं? आई विटनेस हूँ, थे वहाँ पे मौके पे। कोर्ट में थे? सब लोग कोर्ट में थे। एसटी कोर्ट में थे। आपका नाम क्या हुआ? अरुण शुक्ला। अरुण शुक्ला जी, आपका क्या नाम? एसपी सिंह। एसपी सिंह, क्या हुआ था? क्या हुआ था, कितने बदमाश थे? एक बदमाश था जो कि वकील की ड्रेस में आया था, और आते ही जब कोर्ट रूम में वकील सब पुलिस वकील अपना कोर्ट पूरा काम कर रही थी, पुलिस बैठ के अपना मोबाइल चला रही थी, पुलिस से कोई ऐसा लगता है कि पुलिस से कोई मतलब भी नहीं होता है वहाँ पे। सुरक्षा नाम की जीरो है। आप किसी भी गेट से एंट्री करिए, पुलिस बैठ के किसी भी गेट पे जाके देखिए, केवल मोबाइल चला। मुझे केवल बताइए, कोर्ट प्रमाइसेस में संजीव जीवा की प्रेस पेशी थी, उस दौरान आके उस बदमाश ने क्या किया? उसने गोली मारी, एक बच्चे को गोली लगी है, ठीक है, जो कि ऑन द स्पॉट बच्चा डेथ हो गया है, छोटा बच्चा था, और एक वकील साहब जो जीवा जो बाराबंकी से आए थे उनको भी गोली लगी है, कांस्टेबल के गोली लगी है, जो कि दोनों लोगों को घायल अवस्था में तीनों लोगों को ले जाया गया, बच्चे की सुनने मारा कि बच्चे राउंड फायरिंग हुई है, कितनी राउंड? तीन से पांच, पांच से छह राउंड हुई है वहाँ। पांच से छह राउंड, आप क्या कर रहे हैं उस दौरान? आप क्या कर रहे हैं? हम लोग वकील सब उसको, पुलिस भाग नहीं खड़ी, वकीलों ने उसको पकड़ा है, पुलिस अपने जब फायरिंग हुई तो पुलिस बाहर की तरफ भागी, हम लोगों ने उसको दौड़ा के पकड़ा है, वो भी कोर्ट रूम में फायरिंग करने के बाद भागा, तब हम लोगों ने उसको पकड़ा, पुलिस अपनी जान बचा के भागी, हम लोगों ने अपनी जान पे खेल के उसको पकड़ा है। जब आपने उसको पकड़ा तुम्हारे गोली मार दो, गोली मार दूंगा, हमने कहा मारो गोली मारो, हम लोग खड़े हो गए, तब उसको पकड़ के जब साथी अधिवक्ता सब लोग हम लोग एक हो गए तो उसको बाहर तक लाए, तब पुलिस अपनी बचाव को उसमें, तब पुलिस आ गई कि हम लोग हमने पकड़ा है, पुलिस कहीं पे भी कोई भी वो नहीं था पुलिस के पास। आप बताइए एक बार सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ था जब आप कोर्ट में थे? शूटर एक है, उसने गोली चलाई, एक बच्चे के लगी, बच्चा खत्म हो गया, एक वकील साहब के लगी, एक पुलिस वाले के लगी, पुलिस वाले वो चला रहे थे और उसके बाद वो धमकाते हुए भाग रहा था, हम लोगों ने जकन करके उसको पकड़ लिया। जब जब ये वारदात हुआ उस दौरान जज साहब क्या अपने चेयर पे थे? यस थे, थे। जज साहब चेयर पे थे, चेयर के सामने हुआ, रूम में बैठे, रूम में चल रही थी। तो वो आपकी की तरफ पोशाक पहन के आया था? हाँ हाँ, वकील के ड्रेस में था, वकील की ड्रेस में था, वकील के ड्रेस में था, आपके तरफ पोशाक पहन के पहुंचा हुआ था, वकील की पोशाक में था, हम लोग वकीलों को बदनाम करने की ये साजिश है समझिए एक तरीके से। अच्छा ये बताइए, उसके पास जो पिस्तौल थी तमंचा था या कुछ इंग्लिश टाइप पिस्तौल थी? मार के बस उसने छुपा के लेके आया था, ये समझिए आप। हाँ भाई, पुलिस क्या चेक करती है? संदेहात्मक पुलिस क्वेश्चन ये उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा था? फायरिंग हुई है तो एक साथ फायरिंग किया है, मेरी बात सुन लीजिए, इस घटना से आधा घंटे पहले एक महिला अधिवक्ता को उसका हस्बैंड आके चाकू लेके दौड़ाता है कैंपस में, ठीक है, और एक दरोगा प्रवीण यादव जो की है, एक महिला अधिवक्ता को एक उसका हस्बैंड चाकू लेके दौड़ाता है। मैं समझ गया, मुझे एक बात बताइए, जब उसने फायरिंग किया तो एक एक करके ठाई ठाई मारा है या एक साथ बच किया है? ठाई ठाई करके मारेगा ना, एक साथ ही में मारेगा, एक साथ में जब उसका जो भी थे उसे वो बराबर पिस्टल से चला रहा था गोली। संजीव जीवा के कितने पास था वो? मैक्सिमम कोर्ट रूम ज्यादा बड़ा होता नहीं है, एक हाथ दो हाथ कितने पास था? हाथ दो हाथ था, एक 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 दो हाथ था मैक्सिमम।